राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है फ्राइडे और डेट है 18 अक्टूबर। और मैं झाड़ू पोछा नहाना धोना पूजा सब कुछ कर चुकी हूँ और अब मुझे बनाना है नाश्ता। लेकिन नाश्ता मैं नहीं बनाऊंगी, कैंसिल करूंगी, क्योंकि सूरज नहीं है। सूरज गया है, एक जगह जागरण था वहाँ पे गया था, तो वो अभी आया नहीं है। और थोड़ी बहुत मतलब देर में आएगा तो फिर नाश्ता वो नहीं करेगा, सीधा खाना खाएगा। तो मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय, और चाय के साथ ले लूँगी रस्क वगैरह, तो बस वही मेरा नाश्ता हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना। तो फटाफट से मैं चाय बनने रखती हूँ क्योंकि भूख लगी है मुझे भी। और तो यही मेरा नाश्ता होगा, हल्का फुल्का सा चाय और रस्क। तो चलो फटाफट से चाय बनाते हैं। और पता है 2-3 दिन से क्या प्रॉब्लम है, पता ही मतलब समझ में ही नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। ये वाली लाइट एक नहीं जलती है, एक लाइट ये जल रही है केवल। और इसको मतलब पूरी पूरी वीडियो में अगर इस लाइट में बनाती हूँ तो जैसे अब मैं गैस पे काम करूंगी और तब मैं बनाती हूँ ना, तो फिर सही नहीं आती। और ये लाइट जल नहीं रही है, मतलब जिस जिस लाइट में हमारी में इन्वर्टर का कनेक्शन है वो लाइटें हमें बहुत परेशान कर रही हैं। 2-3 दिन से अपने आप जल जाती हैं और अपने आप नहीं जलती हैं, मतलब जलना बंद हो जाती हैं। क्या दिक्कत है पता नहीं, मिस्त्री को फोन किया है, अब देखते हैं वो कब तक आते हैं। 2-3 दिन से तो हम लोग जैसे जो भी समझ में आ रहा था वो कर रहे थे, क्योंकि समर की बैल खराब हो गई थी तो सोचा शायद इस वजह से ऐसा हो रहा हो, तो बैल भी चेंज कर दी। तो जो भी समझ में आ रहा था वो हम कर रहे थे हम लोग, लेकिन नहीं हुई है सही। तो अब मिस्त्री को हमने बुलाया है, तो आज आएंगे वो, देखेंगे आके। मेरा तो नाश्ता बनाने में तभी मन लगता है जब कोई दूसरा भी खाने वाला होता है, मैं अपने लिए मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। चाय को मैंने बनने को रख दिया है, अभी फिलहाल पहले मैं करती हूँ नाश्ता, फिर बनाऊंगी खाना। तो चाय बन चुकी है और सब्जी मेरी कटी हुई रखी है, क्योंकि कल से मैं उसको बना रही हूँ पर वो बन नहीं पा रही है। कल भी अचानक से मुझे जाना पड़ गया, और पता है मैंने कढ़ाई रख दी थी सब्जी छौंकने के लिए, और तब तक सूरज आ गए तो इतना ये ढेर सारा खाना उन्होंने रख दिया था। जहाँ गए थे जागरण था, देवी जागरण, तो फिर हमें मतलब फिर हम गैस बंद करनी पड़ी और फिर से वो हमारी सब्जी जो है रह गई बनने से। मैं कल से उस सब्जी को बनाने जा रही हूँ पर मैं बना नहीं पा रही हूँ। अब ढेर सारा खाना आ गया तो अब क्या करूँगी बना के। मैंने सब्जी को काट लिया था, बस कढ़ाई भी गैस पे रख दी थी, तेल भी कढ़ाई में डाल दिया था। तो चलिए अब जो भी है ठीक है। और ये है कपड़ा बेडशीट का बचा हुआ, तो मैं इनका बनाने जा रही हूँ थैला। तो आप भी पुराने कपड़े का यूज़ करके उनके थैले बना सकते हो। जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है, ग्रोसरी की शॉप पे तो हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ती है थैले की। तो आप बना सकते हो, आपके पास ज़रूरी नहीं है बेडशीट का ही कपड़ा हो, पुराना कुर्ता हो सकता है, कुछ और हो सकता है, बस कपड़ा ठीक ठाक हो। तो यहाँ पे मैंने मुझे लग तो ऐसा रहा है कि बहुत बड़ा बनेगा। मैं सोच रही हूँ क्यों कट करूँ इसमें से, दो पीस इतने बड़े बड़े हैं तो मैं इन्हीं का पूरे का बना लेती हूँ। तो ये 21x25 के पीस थे और दो पीस मैंने बीच में से दो कर लिया था, इनको अलग अलग करके अलग अलग 25x21 के पीस हो गए ये। उसके बाद ये शॉपिंग बैग पड़े थे तो इनको मैंने बीच में रख दिया है, एक पीस को बिछा लिया उसके ऊपर रख दिया। और लाइनिंग के लिए मैं दूसरा कपड़ा ले लूँगी और उसके बाद इस तरीके से पूरी शॉपिंग। ये दोनों हमारे बेस बन गए, यानी कि दोनों पर्त बन गई हैं। ये देखिए बीच में हमने इसमें डाले हैं जो शॉपिंग बैग होते हैं वो, और फिर नीचे लाइनिंग लगा दी पुराने कपड़े की। और ये बेडशीट का था कपड़ा, तो इसी तरीके से दोनों पर्त हमने रेडी कर लिए। ठीक है, इसमें हमने लाइनिंग दूसरे कपड़े की लगाई है और उसमें दूसरे कपड़े की। चले अब इसके हम हैंडल बनाएंगे। सबसे पहले हैंडल बनाएंगे और ऊपर का भाग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद साइड इनकी जोड़ेंगे।
हैंडल बनाने के लिए आपको एक पट्टी लेना है और बस दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए इस तरीके से हैंडल बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने निशान लगाया है 9-9 इंच पे, लेकिन 9 इंच पे निशान मुझे पास में लग रहा था, तो मैंने क्या किया है, जो निशान लगाया है उसके बाहरी हिस्से में जो हमारी हैंडल है, बेल्ट है, उसको मैंने रखा हुआ है, अंदर नहीं रखा हुआ है। और उसके बाद इसके ऊपर से हम एक इस तरीके से पट्टी सिक्योर करेंगे और फिर इस पट्टी को फोल्ड करते हुए अंदर को मोड़ देंगे, फिनिशिंग दे देंगे, तो ये हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम इसकी साइडें भी जोड़ लेंगे, तो साइडें भी हम सारी जोड़ चुके हैं। और उसके बाद हम जो नीचे वाला हमारा पार्ट है उसमें हम दोनों साइड में एक एक बॉक्स बनाएंगे। तो मैंने काफ़ी बड़ा मुझे थैला लग रहा था, तो इस वजह से मैंने बॉक्स भी बड़े बनाए हैं, 4x4 के मैंने दोनों साइड में बॉक्स बना लिए और इनको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब आपको ये दोनों सिरे जो हैं पकड़ना है, जहाँ से आपने कट किया है इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से आपको पकड़ना है और इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलाई लगा देना है। आप बिना कटिंग करे भी सिलाई लगा सकते हो, तो यहाँ पे नीचे जो है ना एक बेस बन जाता है। उसके बाद ये पूरा थैला जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी बड़ा बना है। मुझे डाउट तो पहले ही हो रहा था कि काफ़ी बड़ा बनेगा, लेकिन मैंने सोचा क्यों मैं कपड़ा बर्बाद करूं, थोड़ा बचा पड़ा रहेगा। तो इतना बड़ा नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर सकते, जब आप ग्रॉसरी का सामान लेने जा रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन बस ये है कि हमें अपने हिसाब से बड़ा लग रहा है और मजबूत भी काफ़ी है। थैला तो काफी अच्छा बना है, बस काफी बड़ा बन गया है और देखती हूँ थोड़ा सा छोटा मैं बस केवल ऊपर का हिस्सा है, बस इतना कट कर दूंगी और बस हैंडल लगा दूंगी। लग तो मुझे रहा था जब मैं बना रही थी इसको, जब मैंने इसके जो पीस हैं ये लिए थे, तब मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी बड़ा बनेगा, क्योंकि मैं सोच रही मतलब इतना ही कपड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों काटूँ इसको, तो मैंने कहा बड़ा बन जाएगा, तो क्योंकि जब मार्केट जाते हैं तो बड़े थैला की जरूरत पड़ती है, जब जैसे ग्रॉसरी का लाते हैं, जैसे इकट्ठा सामान जब ग्रोसरी का लेके आते हैं, चावल है, चीनी है, और भी चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं किचन में, आप लोग मतलब समझते हो कितना सामान किचन में आता है, तो इस पर्पज से ही मैंने इसको बनाया था, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं कल ऊपर से थोड़ा सा कट कर दूँगी इसको। तो पुराने कपड़े का बहुत ही अच्छा ये यूज है, अगर आपके घर में भी पुराने कपड़े पड़े हैं तो आप जो है इस तरीके से थैला, तो इस तरीके से आप थैले बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, बना सकते हो। बहुत सारी चीजें मैंने अपने इसी चैनल पे काफी मतलब शेयर भी की हुई हैं, काफी चीजें मैंने बनाई हुई हैं, काफी शेयर की हुई हैं, आप मतलब ऑर्गेनाइजर बनाए हुए हैं, पंखा बनाए हुए, अब तो खैर सर्दी आ रही है तो पंखे की तो जरूरत नहीं है, ऑर्गेनाइजर, थैला, बैग, टिफिन के लिए मतलब टिफिन बैग, मतलब बहुत चीजें मैंने बनाई हुई हैं, शेयर की हुई हैं अपने चैनल पे, अगर आप लोगों को जरूरत हो तो आप लोग देख सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगी, काफी बड़ा बन गया है। और अब मैं जा रही हूँ तहरी बनाने, अभी देखो अभी भी मेरी घड़ी में सेल नहीं पड़ा है, तो सूरज बोला कि कल भी पूड़ियाँ खाई, क्योंकि वहाँ गया था ना दावत में, तो वहीं से ये खाना आया था, तो बोला आज दोपहर में भी पूड़ियाँ खाई हैं, तो अब मुझे ना पूड़ियाँ रोटी सब्जी मतलब वगैरह नहीं खाना है, मुझे तहरी खाना है, तो मैं बनाने जा रही हूँ तहरी। तो दोपहर में मैंने ना सब्जी कट कर ली थी, आलू भी कट कर लिए थे, ये देखिए मैं छौंकने जा रही थी, और हरी प्याज मैंने ली थी 3-4 दिन पहले, और पता है कल मैंने इसको धो के रखा बनाने के लिए, तो कल मुझे अचानक से गांव जाना पड़ गया, और आज मैं इसको बनाने जा रही थी, तो आज जैसे ही मैं मतलब कढ़ाई मैंने रख दी थी गैस पे, छौंकने जा रही थी, तो मतलब ये आ गया, बोला कि ये खाना मतलब ढेर सारा है, तो खाना फिर नहीं मैंने बनाई इसको, तो पता है आधी तो ये खराब हो गई थी, मैंने धुल के रख दी थी, अब इसको ना मैंने थाली में अच्छे से इसको फैला दिया था, मैंने कहा अभी ये खराब नहीं होगी, अब नहीं होगी खराब, क्योंकि अच्छे से इसका जो मॉइस्चर था वो खत्म हो चुका है। अब कल मैं इसको ना आटा में डाल के जो है लगा के कुछ बनाऊंगी, खत्म करूंगी इसको।
और आज ये पार्सल आया है तो पहले तहरी बना लूँ, उसके बाद इसको अनबॉक्स करूँगी। और दिवाली से रिलेटेड ही होगा कुछ, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। तो और तहरी को मैंने छोंकना स्टार्ट कर दिया है, आलू कटे रखे थे सब्जी वाले, लेकिन पूरा नहीं डालना है, वो भी बच जाएंगे। उसके बाद लहसुन वगैरह भी सब, मतलब सब्जी के लिए जो भी मैंने काटा था वो सारा काम आ गया हमारा। और तो तहरी को छोंक के लेट को बंद कर देंगे, फिर किचन में जो भी बर्तन होंगे दो चार उनको हम साफ करेंगे। तो खाना बहुत ज़्यादा था, हम कितना खा सकते थे हम लोग, तो सब्जी रखी है थोड़ी फेंकने के लिए, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, जागरण का एक तरीके का वो प्रसाद है, नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन क्या करूँ मजबूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा थी सब्जी, नहीं खा मतलब तो फेंकनी पड़ी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पड़ोस में ही प्लॉट खाली पड़ा है तो उसमें डाल देते हैं जो जानवर खा जाते हैं। और ये देखिए अभी भी हलवा बचा रखा है, तो इसको मैं जा रही हूँ खाने, फिनिश कर अभी मैंने जो आपको पार्सल दिखाया था तो उसमें थे ये रंगोली के कलर। तो पता है ये वाला कलर जो है ना, बिल्कुल मतलब ये जो सीसी है बिल्कुल खाली थी, बोतल बिल्कुल भी खाली थी, पूरा जो है उसके अंदर फैला हुआ था। तो मैंने कहा चलो खाली सीसी देख के ना मेरा दिमाग खराब हो गया, यार पूरी सीसी खाली है, लेकिन फिर देखा तो उसमें फैला हुआ था क्योंकि इसका जो कैप है ना ये खुला हुआ था। तो फिर मैंने भर लिया है, तो ये ऑरेंज कलर है, येलो कलर है और ये ब्लू है, ब्लू तो नहीं है, फ्रोजी है ये, और ये लाइट पर्पल है, मजेंटा कलर बोलेंगे इसको, और ये पता नहीं कैसा है, ब्राउन सा है, भूरा सा, और ये वाइट है, और एक ये ब्लू है, और एक ये है रानी सा, रेड समझ लीजिए, रेड सा है कुछ कुछ, और एक ये पर्पल है, और एक ये ग्रीन है। तो ये हैं 10 कलर हैं, और मैं देखूंगी ऑर्डर में, मुझे ध्यान है कि वो 12 कलर दिखा रहे थे, चलिए मैं देखूंगी अभी। तो ये 10 कलर का ये हमारा रंगोली का जो है, रंगोली के कलर है ये जो मैंने ऑर्डर किए थे, क्योंकि मैंने रंगोली बेस दिखाया था आपको कल वाली वीडियो में, मंगाया था मैंने, तो उसी को भरने के लिए मैंने ये कलर ऑर्डर किए थे। और इधर हमारी जो तहरी बन रही थी उसमें बिशिल लग चुकी है, तो इस टीम को हम ऐसे ही निकलने देंगे सेल्फ, उसके बाद हम एंजॉय करेंगे। और ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो थैंक यू, बाय बाय। अगर आपने भी, आपको भी मेरी तरह रंगोली बनाना नहीं आता है ज़्यादा अच्छी, तो आप भी रंगोली बेस मंगा लीजिए और ये कलर मंगा लीजिए और अपनी दिवाली को एंजॉय करिए।